अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर महिलाओं का मंगलसूत्र सोना छीनने की योजना बनाने का आरोप लगाने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार में धन वितरण की सियासत तूफान मच गया है। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हैदराबाद रैली में की गई उस टिप्पणी से भड़का है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि कांग्रेस जनसंख्या की जाति और सामाजिक आर्थिक जनगणना करेगी और फिर लोगों की संपत्ति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करेगी और फिर उसका पुनः वितरण करने की नीति बनाएगी। हालांकि हंगामे के बाद कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला जारी रखा है और धन वितरण का वादा किया है, लेकिन एक ट्वीट के साथ योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी आपको आश्वासन देती है कि हम यहां माफियाओं की सारी संपत्ति जब्त करेंगे और उसे गरीबों में बांटेंगे। सभी बड़े माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या उन्हें जहन्नम भेज दिया गया है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि जो माफिया 2017 से पहले सरकार को नियंत्रित करते थे, अब वो अपनी जान की भीख मांगते हैं। यानी कि योगी ने कहा कि वो माफिया लोग कहते हैं कि कृपया हमारी जान बख्श दो, हमें फेरी वाला के रूप में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, हम दंगा नहीं करेंगे, हम गरीबों को नहीं लूटेंगे, हम न तो महिलाओं को परेशान करेंगे और न ही व्यापारियों से जबरन वसूली करेंगे। योगी ने आगे कहा कि टीएमसी बीरभूम संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या को बदलने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया बीरभूम निर्वाचन क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं ऐसे जिनकी जनसंख्या को बदला गया है, केवल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं हिंदू बहुल हैं, ऐसे करके हम बंगाल को कहां ले जाना चाहते हैं। बंगाल में ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां भारत की जनसंख्याकी को बदलने की घुसपैठियों को पुनर्वासित किया गया है। आगे भाजपा नेता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस द्वारा अपने घोषणा पत्र के जरिए देश को विभाजित करने की तैयारी चल रही है और लोगों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि भारत में धन और संपत्ति के पुनर्वितरण का इतिहास रहा है, खासकर भूमि सुधार कार्यक्रमों और समाजवादी नीतियों के माध्यम से। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण में से एक 1950 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया भूमि सीमा अधिनियम था, जिसने जमींदारों से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की और उसे भूमिहीन किसानों को बेच दिया गया और वितरित कर दिया गया, उसे भूमिहीन किसानों के बीच वितरित किया गया। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच धन वितरण पर बहस ने देश में गरीबी और असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, इससे चुनाव प्रचार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दोनों पार्टियों ने वोट जीतने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया है। बाकी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस या बीजेपी की धन वितरण योजना का भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये स्पष्ट है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में बहस का विषय बना रहेगा, क्योंकि भारत गरीबों और असमानता को दूर करने के तरीकों की तलाश जारी रखता है। धन वितरण के समर्थकों का तर्क है कि ये गरीबी और असमानता को दूर करने का एक आवश्यक तरीका है। उनका मानना है कि धन को समाज के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिल सके। बाकी धन वितरण के आर्थिक प्रभाव बहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि धन वितरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि इससे उपभोक्ता मांग बढ़ेगी। दूसरे तर्क है कि इससे निवेश और नवाचार कम हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। इसके अलावा धन वितरण पर बहस एक अन्य अहम पहलू ये भी है कि इससे
कार्यबल की प्रेरणा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि धन वितरण से काम करने और नवाचार करने के लिए लोगों की प्रेरणा कम हो सकती है। दूसरों का तर्क है कि वास्तव में प्रेरणा को बढ़ा सकता है क्योंकि लोग अपने जीवन और अपने परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक अवसर देखेंगे। तो इस तरह हमने जाना कि भारत में धन वितरण पर बहस एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। विचार करने के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण और विचार हैं। इस पर कोई सहमति नहीं है और धन का पुनर्वितरण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और ये बहस आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की संभावना है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दीजिए विदा। नमस्कार।